ओम नमः शिवाय। बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ सावन मास महात्म की कथा का नौवां अध्याय। बंधुओं, जो मनुष्य भी सावन महीने में सावन मास महात्म की कथा को सुनते हैं, भगवान शिव शंकर की कृपा से उनके हर कार्य बनते चले जाते हैं, उनकी हर मनोवांछित इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी होने लगती हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ लिखना ना भूलें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान ना हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहसयुक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपने प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंस्वन और अनवलोभन संस्कार किया। आठवां महीना होने पर सीमंतोनयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने वह उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नाम कर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लीख कर पुष्प और माला से उनकी पूजा करके गौ धूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक
उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंती, हे करुणान्वे, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया। वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृ भगत उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके पांच पुत्रों को उत्पन्न होने के पांचवें दिन मार दिया था। वह राजा भी उस समय पांचवें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसे आई थी वह वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को पांचवें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं, यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभो, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णु पद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए दो हाथ निकल आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित हुए और दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका पांचवा दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंतिका ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंतिका और षष्ठी दोनों की बात ये सुन ली। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में व्रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र और कंचुकी नहीं पहनती, हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी नहीं खाती। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता,
क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों और सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी और कंकन भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर, वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णु पदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप और पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों ही परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियतम ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंतिका, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियतम, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, जीवंतिका देवी की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।